रामपाल सिंह मकना, श्री राजपूत गणेश नगर राष्ट्र अध्यक्ष। आपको मालूम है कल के अखबार में एक सूचना थी, एक बड़ी खबर दी कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है यूट्यूब पे। कई लाखों लोगों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव देखी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल चालू करा है, कोई भी विषय पे अगर बड़ा विषय है उस पे सुप्रीम कोर्ट लाइव कोर्ट से लाइव देता है और आम जन उसको देख सकते हैं। पिछले 7-8 दिन से एक लाइव चल रहा था जो कल भी देखा गया, परसों देखा गया लाखों की संख्या में, जिसमें सुनवाई हुई ईडब्ल्यूएस पर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक पिछड़ा स्वर्ण मतलब गरीब स्वर्ण की बात की गई। 10% जो आरक्षण गरीब स्वर्ण को दिया गया आज से 3-4 साल पहले, जब आपको मालूम होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से कहीं ना कहीं निकल गए थे, तो इन तीनों राज्यों के हारने के बाद केंद्र ने 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ों को दिया, स्वर्ण आर्थिक पिछड़े वो जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं आपको मैं लेके जाऊंगा। पहले आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था थी जो मेन स्ट्रीम में जो लोग नहीं थे, मुख्य धारा में जो लोग नहीं थे, जिसमें दलित आते हैं, अति पिछड़े आते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग भी आते हैं, जो कई सारी ऐसी जातियां थी जो मेन स्ट्रीम में नहीं थी, जो मुख्य धाराओं में नहीं थी, और उनको साथ लेने के लिए केंद्र ने आज से, जब भारत आजाद हुआ तब इसका आरक्षण के रूप में एक व्यवस्था लागू की गई उन जातियों के लिए कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, मेन मुख्य धारा में आ सके। उस टाइम में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मना किया था कि एक नया छुआछूत का तरीका आप लोग खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी उसके पक्ष में नहीं थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। जो कोई लोग ये बकवास करते हैं सड़कों पे कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमको ये अधिकार दिया या ये सब झूठी बात है। भीमराव अंबेडकर जी का खुद का इंटरव्यू है जो बकायदा लिखित में है, और उनका कहना था कि कभी अगर आप ये आरक्षण जैसी एक रूपी व्यवस्था खड़ी कर दोगे तो छुआछूत तो पहले ही चल रहा है, और एक नया छुआछूत का तरीका आप चालू कर दोगे। तो मैं आपके इस लाइव के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, उस टाइम में सब लोगों की तर्क थी, सबसे बड़ा ज्यादा तर्क किन लोगों का था? क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का। अभी जो लोग ये कोसते हैं कि क्षत्रियों ब्राह्मणों ने हमारा कहीं ना कहीं शोषण किया है, तो ये आरक्षण उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ब्राह्मण थे, अपने आप में ब्राह्मण वो पंडित लिखते हैं, उनका वीपी सिंह जी जिन्होंने इसको वापस से जो 20 साल बाद में 30 साल बाद में खत्म होना था आरक्षण, उसको रेगुलाइज किया वीपी सिंह, वो राजपूत थे। ऐसे कई क्षेत्रीय कई ब्राह्मण थे जिन्होंने इस आरक्षण रूपी व्यवस्था को खड़ा किया कि मेन स्ट्रीम में आने चाहिए, पिछड़े और अति पिछड़े जो लोग हैं वो मुख्य धाराओं में आने चाहिए। चलो आपकी बात से हम लोग सहमत है, आने चाहिए थे, पर उसके 20 साल बाद में एक व्यवस्था चालू की गई कि आरक्षण जिसको भी मिले उसका रिव्यू वो लोग करें, रिव्यू मतलब उसकी समीक्षा करें, आरक्षण की समीक्षा होगी कि किन किन जातियां, कौन कौन जातियां मेन स्ट्रीम में आई है, मुख्य धारा में आई है। 75 साल हो गए भारत आजाद हुए, आज तक किसी भी प्रकार के आरक्षण का रिव्यू नहीं हुआ है, उसका कोई भी तरीके का अभी तक कोई रिव्यू नहीं हुआ, उसका कोई परीक्षण नहीं हुआ कि किन किन को आरक्षण मिला, कैसे मिला, क्यों मिला। हम उस गहराई में भी नहीं जाते। अभी 4 साल पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण गरीब स्वर्ण, क्योंकि जो मुख्य धारा की बात चल रही है वो गरीबी से रिलेटेड है, मुख्य धारा की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है, मुख्य धारा की बात चल रही है तो उन पिछड़े और अति पिछड़े लोगों की बात चल रही है जो कहीं ना कहीं उन ट्राइबल एरियों में रह रहे हैं जहां पे आज भी व्यवस्थाओं की कमी है, वहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये सुविधाएं नहीं थी, उन लोगों की बात चल रही है। वहां स्वर्ण भी रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि दलित ही रह रहे हैं, पिछड़े ही रह रहे हैं, अति पिछड़े ही रह रहे हैं, नहीं है, वहां स्वर्ण समाज के लोग भी रहते हैं, वो भी पिछड़े हैं, वो भी अति पिछड़ों में आते हैं, वो भी गरीब है, गरीबी जाति देख के नहीं आती। तो आर्थिक पिछड़ा आयोग ने एक ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था चालू करी पिछले 7-8 दिन से, उसको चैलेंज किया गया अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में, वो पिछले 8-10 दिनों से उसके ऊपर सुनवाई चल रही थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात अभी 2 दिन से अखबारों में आ रही है। तो
उसमें ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी, क्या दलील थी कि स्वर्णों को कहीं से भी आरक्षण की जरूरत नहीं। क्यों भाई, कहां पे लिखा हुआ है? जब पिछड़ों को जरूरत है, अति पिछड़ों को जरूरत है मुख्य धारा में लेने के लिए, तो जो जो स्वर्ण है, जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, मुख्य धाराओं में नहीं है, उनको क्यों जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण की कहीं ना कहीं व्यवस्था की है सरकार ने, 10% आरक्षण, और मुझे लगता है कई सारे लोगों का भला भी हुआ है। अगर इसको कोई चैलेंज कर रहा है तो संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है, या तो पूरी व्यवस्था आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। खैर, इस तरीके की अगर छेड़खानी ईडब्ल्यू से हुई, मैं सभी स्वर्ण बंधुओं से बोलना चाह रहा हूं, आपके गरीब भाई जो कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यापन नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनको उनको ड्रेस दिलाने का पैसा नहीं है, उनको किताब दिलाने का पैसा नहीं है, उनको स्कूल भेजने का पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए अगर ये ईडब्ल्यूएस खड़ा हुआ है, आर्थिक पिछड़ा आयोग ने गरीब स्वर्ण के लिए गरीब स्वर्ण स्वर्ण एक व्यवस्था खड़ी करी है, तो क्यों किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आप सब लोग एकजुट रहिए। अगर इसमें छेड़खानी हुई किसी भी प्रकार की, तो हम लोग भारत बंद करेंगे, हम लोग भारत का चक्का जाम कर देंगे। मेरे कोई भी स्वर्ण की, मेरे कोई भी मेरे जो स्वजातीय बंधु है उसके में हकों के ऊपर अगर कोई दिक्कत आई, तो श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्र अध्यक्ष आपका भाई महिपाल सिंह मकड़ा बोल रहा है, करणी सेना अगवा रहेगी आप सब लोगों के साथ सहयोग से, और आप सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। अगर साथ नहीं आओगे तो हो सकता है आपके ईडब्ल्यूएस की जो व्यवस्था है वो वापस से छीन ली जाए, क्योंकि उसपे सुनवाई पूरी हो चुकी है। मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था कि खूब सारी नामी व्यवस्थाएं हैं, नामी संस्थाएं हैं, जो नेशनल लेवल पे अपने आप को छाती ठोक ठोक के बड़ी संस्थाओं का ओहदा देती है, कोई तो बोलेगा इस पर। जब 2 दिन से कोई नहीं बोला, श्री राजपूत करणी सेना ने संज्ञान लिया, क्योंकि कल से 2 दिन से ये बात चल रही थी। परशुराम सेना एक करके एक संस्था है, उनके राष्ट्राध्यक्ष से मेरी बात हुई, जिनसे मेरी बात हुई मैं बता रहा हूँ, और एक दो मेरे बंधुगण और थे स्वर्ण समाज के, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे चल रहा है। मैंने इस पे संज्ञान भी लिया, पर मैं इंतजार कर रहा था कोई तो बोलेगा, क्योंकि लोग बाग हमें ठेकेदार बता देते हैं, लोग बाग हमें बोलते हैं आपके ही क्यों दिक्कत है। मुझे इसलिए दिक्कत है कि कोई बोलता नहीं है, मुझे इसलिए दिक्कत है कि कोई भी ज्वलंत मुद्दे उन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, मुझे इसलिए दिक्कत है कि कोई अगर नहीं बोलेगा तो करणी सेना बोलेगी, सड़कों पे आएगी। इसलिए दिक्कत है क्योंकि स्वर्ण समाज अगर कहीं ना कहीं अपने हकों की लड़ाई लड़ता तो ये चीजें बहुत पहले हो चुकी होती। ईडब्ल्यूएस पर किसी भी तरह की अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अगर इसको डिस्ट्रॉय करने की, इसको छेड़छाड़ करने की व्यवस्था अगर उत्पन्न करेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बोलना चाह रहा हूं, आपके केंद्र सरकार के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आप लोग ऐसी कोई भी गलत स्टेप मत उठाइएगा जिसके कारण से जो पिछड़ा स्वर्ण है, जो 10% के दायरे में आता है, उसकी व्यवस्थाओं को हानि पहुंचे, उसके कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आने का जो रास्ता ये सरकार ने खोला है, उसको अगर कहीं अवरुद्ध होने का अगर कोई दिक्कत आएगी, अवरुद्ध करते हुए कोई नजर आएगा, तो हम लोग भारत बंद का आह्वान करेंगे, हम लोग पूरे भारत का चक्का जाम करने का आह्वान करेंगे। मैं सब आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, एकता बनाए रखें, जल्द ही हम लोग डिसीजन आया तो मैं फिर चेतावनी देना चाह रहा हूं केंद्र सरकार को, जो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उस हर एक व्यवस्था को, हम लोग भारत बंद का आह्वान करेंगे, हम लोग भारत का चक्का जाम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।